हत्या आरोपियों की 2,70,00,000 की संपत्ति जब्त की गई। ये घटना है छिबरा मऊ कपड़ा व्यापारी सोहेल की। हत्या के 7 आरोपियों को पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई कर उनकी 2,70,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा हत्या आरोपियों की अन्य संपत्तियों की भी जांच चल रही है। कोतवाल जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि नगर के मोहल्ला चौधरियान निवासी इरशाद, जुल्फिकर, हासिम, राशिद निसार और सहनवाज शिबू व अरसद ने 27 अप्रैल की देर शाम कपड़ा व्यापारी सोहेल और सोनू की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। हत्या आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। इसके बाद पुलिस ने हत्या आरोपियों को सबकी संपत्ति की जांच शुरू की। डीएम के आदेश पर हत्या आरोपियों की 2,70,00,000 की संपत्ति जब्त कर ली गई है। अब पुलिस हत्या आरोपियों की अन्य संपत्तियों की जांच कर रही है। कोतवाल जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि साल 2000 में भी एक बच्चे की हत्या के मामले में इरशाद खान व जुल्फिकार खान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी। साल 2011 में भी इरशाद व जुल्फिकार के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। साल 2021 में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा भी कई मुकदमे चल रहे हैं।